हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, दो ऐसे टर्म्स है, दो ऐसे वर्ड्स है जिन्होंने ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है। कोई बोलता है हार्ड वर्क मत करो, कोई बोलता है स्मार्ट वर्क करो, कोई बोलता है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क मिक्स होना चाहिए, कोई बोलता है हार्ड वर्क गधे करते हैं, स्मार्ट वर्क घोड़े करते हैं। ये सारी चीज़ें सुन सुन के दिमाग सड़ चुका है। सो बेसिकली मेरे मेंटर से कुछ टाइम पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने भी अपनी रिसर्च करी उसके ऊपर, तो एक कंक्लूजन निकला है मुझे एक चीज़ समझ में आई है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई होप इट हेल्प्स। तो आज मैं तीन टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा, तीन टाइप के लोग होते हैं जो मुझे समझ आए। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े टर्म्स देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलेगी, जैसे हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या है, इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, या प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क, और यूजिंग 80-20 रूल। सो दीज थिंग्स यू आर गोना गेट, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। बट मैंने इसे क्या समझा है वो मैं शेयर करता हूँ। तीन टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो बहुत टैलेंटेड होता है, जिनमें बहुत स्किल्स होती है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं। समय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखने वाला हूँ इसको, मेरे को दो बहुत अच्छी स्टोरीज मिली है जो मेरे ख्याल से बहुत फिट इन होती है स्लॉट में। सो नंबर वन इज, एक बार क्या होता है, एक कैमल और उसका बच्चा पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। सो उसका बच्चा ऐसे बैठा बैठा से बोलता है, मम्मा हमारे ये पीठ पे इतना बड़ा हम्प क्यों होता है? सो कैमल की मम्मा बोलती है, क्योंकि बेटा हम लोग को ना बहुत लंबा सफर तय करना होता है, डेजर्ट में, धूप में, मिट्टी में। सो ये बेसिकली पानी स्टोर करता है, सो दैट हम काफ़ी लंबा सफ़र तय कर सके इन वन गो। बोलता है ओके, इंटरेस्टिंग। फिर थोड़ी देर बाद सोच के बोलता है, मम्मा हमारी टांगे इतनी लंबी क्यों होती है? सो उसकी मम्मा ने सोच के बोला, बेटा क्योंकि हमको बहुत दूर जाना होता है ना, हमें पता नहीं कब जाके हमको हमारा डेस्टिनेशन मिलेगा, वी नीड टू वॉक अ लॉट, बहुत चलना होता है हमको, तो उस कारण हमारी टांगे लंबी होती है जो हम इजीली डेजर्ट के अंदर चल सके। ओके गुड, बट मम्मा हमारी आईलैशेस इतनी बड़ी क्यों होती है, इतनी लंबी लंबी? सो उसकी मम्मा कहती है, बेटा क्योंकि हम लोग को ना चलना पड़ता है ना बहुत दूर डेजर्ट के अंदर, सो मिट्टी चली जाती है, तो मिट्टी से सेव करने के लिए हमारी आईलैशेस होती है, सो दैट वो प्रोटेक्ट करे और हमारी आंखों में मिट्टी ना जाए। तो फिर वो बहुत देर ऐसे सोचने में लग जाता है, बहुत सीरियस थॉट दे रहा होता है। सो उसकी मम्मा पूछती, क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो गए? सो वो बोलता है, मम्मा मान लिया हम लोग के हम्प होता है ताकि हम पानी स्टोर कर सकें, हमारी लंबी लंबी टांगे हैं सो दैट हम लंबा चल सकें, और हमारी आंखों पे आईलैशेस भी ताकि हम जब लंबा सफर तय कर रहे हैं आंखों में मिट्टी ना जाए, बट फिर भी हम जू में क्यों हैं? सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम लोग के पास बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स है, बहुत नॉलेज है, बट क्या एग्जैक्टली वो यूज हो रही है? क्या हम उस टैलेंट का जो कर सकते हैं, स्किल्स का जो आउटकम निकाल सकते हैं, क्या वो हो रहा है? दैट्स द कैटेगरी नंबर वन। कैटेगरी नंबर टू, लेजी लोग, जो प्रोकेस्टिनेशन, लेजीनेस के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। उनके लिए एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी। एक बंदा भगवान से मिलता है और भगवान से पूछता है, भगवान आपके लिए हजारों साल तो एक सेकंड जितना ही होता होगा ना? भगवान बोलते हैं, हाँ एक सेकंड जितना होता है। और भगवान आपके करोड़ों रुपए आपके लिए एक रुपए जितना होता होगा? तो भगवान बोलते हैं, हाँ एक रुपए जितना होता है। बोलते हैं, भगवान एक रुपया दे दो ना। तो भगवान बोलते हैं, एक मिनट बाद ले देना। So, कुछ लोग होते हैं जिनको करना कुछ नहीं लेकिन चाहिए बहुत कुछ। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ मांगो भी मत उसके अगेंस्ट। अब वहां पे ये लोग बन जाते चैटर बॉक्स, ये लोग बन जाते कंप्लेन बॉक्स, और ये पूरा ऑरा खराब कर देते। काम एक नहीं करना है लेकिन चाहिए सब कुछ, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल। एंड थर्ड कैटेगरी इज, जो लोग बहुत मेहनत करते। हम लोग कभी कभी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं इस थॉट को लेके कि यार हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, क्या हार्डवर्क से अगर सक्सेसफुल हो रहे होते सो ये जो लेट्स से रोड्स बनाते जो लेबर्स होते हैं वो अभी तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा वेल्दी क्यों नहीं बने? तो ना शेयर कॉन्सेप्ट विद यू जो मैंने रिसेंटली एक बुक में पढ़ा था, और एक कोटेशन, बेसिकली स्टार्टेड विद अ कोटेशन, एक कोटेशन पढ़ा मैंने, फिर थोड़ा इसके बारे में मैंने जानना चाहा। इफ द लैडर इज नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, every step we take just gets us to the wrong place fast.
बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी एक सीढ़ी चढ़ते होते हैं ये सोच के कि मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी इवेंचुअली जाके, और जब पूरी जिंदगी निकल जाती है उनको रियलाइज होता है कि वो जो लैडर थी, वो जो सीढ़ी थी, वो गलत दीवार पे लगी हुई, तो वो जाना कहीं और चाह रहे थे लेकिन पहुंच और कहीं गए, क्योंकि उन्होंने जब सीढ़ी चढ़ रहे थे वो उन्हें ये ध्यान नहीं दिया कि वो कौन सी वॉल पे लगी हुई है। सो व्हेन इट कम्स टू लेबर्स, जब हम बोलते हैं इतना हार्ड वर्क करते हैं वो फिर भी इवेंचुअली वहां पे नहीं पहुंचते, थिंक अबाउट इट। सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये टर्म्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। मेरी इवेंचुअली कंक्लूजन क्या निकला है वो ये है कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो हम जानते हैं, ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा टाइम देना, प्रॉब्ली फिजिकली भी एफर्ट्स डालना, एंड स्मार्ट वर्क पीपल से जस्ट मेंटल, ये यूज करो। चाहे ये सिर्फ यूज करने से काम हो जाता तो फिर ये चलने के लिए थोड़ी दिए, सिर्फ ये खाना खाने के लिए। सो मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव कर रहा हूँ। मेरे लिए स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क इज चूजिंग वेयर टू पुट द हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क वो है जहाँ पे मुझे चूज करना है मुझे हार्ड वर्क कहाँ पे करना है। एंड रही बात एफर्ट्स की, या लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सांस, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ पैसा ले लिया, घर ले लिया, गाड़ियां ले ली, अगर ये नहीं रही तो कुछ चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन कभी आपने नोट किया कि आप सांस लेने में कितना एफर्ट्स डाल रहे हो? यू आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स। एक बार सोच के देखो, एक बार कॉन्सेंट्रेट करो सांस पे। आधे लोग उसको मेडिटेशन कहते हैं और उनको लगता है मेडिटेशन उनसे हो नहीं सकता। तो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सांस लेना, जिसपे हम एफर्ट्स नहीं डालते। सो द डे वी स्टार्ट टेकिंग अवर लाइफ लाइक दैट, सीइंग अवर लाइफ लाइक दैट, नॉट ओनली सांस, पानी, वाटर, डू वी वरी अबाउट दैट? डू वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट? नो। सो सिर्फ एफर्ट्स डालने में ध्यान देते हैं। रही बात स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चूज करें कि हार्ड वर्क कहाँ पे डलना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए और कहाँ पे कम। आई होप इट हेल्प्स। चेस।